शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बात आपको पता होनी चाहिए, ऐसे अकेली लड़की को इतने सुनसान जगह पे अकेले छोड़ के चले जाना, ये बहुत गैर जिम्मेदारी वाली बात होती है। अगर वो गुंडे वापस आ जाते, कुछ हो जाता, मुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? तुम्हारा कोई बटन वटन है क्या? एक बार बकर बकर शुरू होती फिर खत्म ही नहीं होती है। क्या है? सॉरी, हाथ धोने का भी वक्त नहीं है, बहुत भूख लगी है। अब अभी इतना ठंडा नहीं हुआ है तो खा लो तुम। मैं खा गया ना, फिर बाद में मेरा दिमाग खाओगी तुम। चलो ऑर्डर। हे भगवान, आपको हाथ धोने का टाइम नहीं मिला तो इस समोसे को क्या पूरा पूरा तेल में ही नहला दिया? अरे क्यों खा रहे हैं आप ये? पता नहीं कैसा तेल होगा, कब का तला हुआ होगा। माफ करना किरायेदारनी देवी जी, वो क्या है ना, मुझे आपके लिए तो वो 5 स्टार से ओवन बेक समोसे लाने चाहिए थे, है ना? कट, खाना है तो खाओ वरना रहने दो। मुझे पेट खराब करने का ना कोई शौक नहीं है। आप ही खाइए इसे और ये लीजिए, दवाई भी खा लीजिएगा। खा लूं क्या? बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद, इतना भाषण देने के बाद अगर फिर ये समोसा खाई तो खुद की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। क्यों, क्या करूं, भूख भी तो लगी है। समोसा खाऊंगी तो भी पेट में दर्द होगा, नहीं खाऊंगी तो भी पेट में दर्द होगा, इससे अच्छा ना खा ही लेती हूँ। ऐसे तेज तेज खाओगी तो बदहजमी से पेट तो खराब होना ही है। पानी पियो। वो तो मुझे भूख लगी थी, वरना मैं ये समोसा कभी नहीं खाती। हाँ हाँ, वरना तो घंघोर तप ना तोड़ू मैं। अरे ये तुम लड़कियां में क्या चीज होती है, जबरदस्ती के नाटक। हम लड़कों का ध्यान खींचने के लिए कुछ भी करोगे ना। और आप जो अपनी इतनी हीरोगिरी में लगे रहते हैं उसका क्या? अब ज्यादा ना हीरोइन मत बनो, चुपचाप सो जाओ। ऐसे भी गाड़ी सुबह ही ठीक हो पाएगी। अब तो हम यहाँ सोएंगे? बिल्कुल, हम यहीं सोएंगे। लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, तो मैं तो जगी रहूंगी, मैं कैसे सो सकती हूँ। हाँ हाँ, अब तो मैं तुम्हें लोरी सुना देता हूँ, है ना? सो जा हमारी किराएदानी, सो जा, सो जा पागल। आप लोरी गा के सुनाएंगे, ऐसे में ना किसी को नींद भी आ रही होगी ना, उसकी जिंदगी भर की नींद उड़ जाएगी। उससे तो अच्छा होगा ना कि हम कोई गेम खेल लेते हैं। हाँ हाँ, मैंने तो तुम्हारे यहाँ स्टेडियम खड़ा रखा है ना, क्या करोगी? क्रिकेट खेलोगी, बॉलिंग करोगी, बैटिंग? उफ,
मैं ना आपसे एक सवाल पूछूंगी और आपको मुझे उसका बिल्कुल फटाफट जवाब देना है बिना कुछ सोचे। दिमाग में जो सबसे पहली बात आएगी ना वो आपका जवाब होगा, ठीक है? हाँ ठीक है। ऐसे भी ना तुम्हारी बकर बकर ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया, नींद तो आई नहीं रही। अब बोलो क्या करना है। आपका मनपसंद टाइम पास? फिल्में, वो भी डिशम डिशम वाली। मनपसंद खाना? मम्मी के हाथ का कुछ भी, सेवैया करेले। आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? पापा के थप्पड़ से। एक भी पड़ गया ना तो पूरा दिन मेरा मुंह बंद। आपका पसंदीदा हीरो? मैं खुद। अपने मुंह मियां मिट्ठू। क्या कहा? आपको मीठे में क्या पसंद है? ठग्गू के लड्डू, वो भी मोतीचूर वाले। चाट में? पानी के बताशे। सबसे अच्छा साथी? श्रद्धा। क्या कहा? क्या पूछा था तुमने? सबसे अच्छा, मुझे लगा सबसे कच्चा, इसलिए वो गलती से तुम्हारा नाम निकल गया। अच्छा अच्छा, ये लगा आपको। मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। दिमाग में शायद मेरी परछाई ना दिख रही हो, लेकिन आपके दिल में मैं ही हूँ अब है, जो आपने आज साबित कर दिया। जल्दी आप अपने दिल की यादों को पहचान भी लेंगे। कीर्ति और श्रद्धा के बिना ना दिवाली अधूरी सी लग रही है। भाभी, श्रद्धा तो अभय की वजह से शहर के बाहर है, लेकिन कीर्ति तो शहर में है। वो तो यहाँ होते हुए भी जैसे यहाँ ना हो। वैसे भाभी, अब कीर्ति का काम ही ऐसा है कि हर दिवाली उसके बिना ही मनानी होगी। आज के दिन दिए जलाइए, एक दूसरे का दिल नहीं। आज मिठाई से एक दूसरे का मुंह मीठा कीजिए, ना कि बहुओं के नाम के तानों से। आप लोग ही सोचिए ना, 10 साल पहले की कीर्ति और आज की कीर्ति में जमीन आसमान का फर्क है। और क्या बुआ जी, हम में से कौन सोच सकता था कि कीर्ति कभी अपने से भी ज्यादा जनता की सुरक्षा के बारे में सोचेगी। मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, दिवाली तो वैसे भी कल है ना, तब कीर्ति यही होगी और अभय और श्रद्धा भी लौट आएंगे। और हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि जैसे श्री राम जी अयोध्या लौटे थे ना, वैसे ही इस दिवाली पे जब अभय घर लौटे अपनी याददाश्त के साथ लौटे।
सकता था। तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। मुझे छोड़ के मत जाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। अभय और मेरे 10 साल के रिश्ते की कहानी जो इस वक्त हम अपने सपने में देख रहे हैं, उसे हकीकत में बदल दीजिए माता रानी। इस दिवाली अभय को उनकी 10 साल की यादें वापस लौटा दीजिए। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा श्रद्धा। अभय की यादों की फुलझड़ी जिस तरह जली है ना, कल दिवाली के दिन उसे मैं वैसे ही बुझा दूंगा। जो धमाका दशहरे पे नहीं हो पाया, अब वो दिवाली पे होगा, जिसमें खाक होगा तुम्हारा अभय। नीतू सच में अभय नींद में आपका नाम ले रहा था, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ कीर्ति, ये तो सचमुच माता रानी का एक बहुत बड़ा इशारा है कि अभय की सारी याददाश्त दोबारा से पूरी तरह से वापस आ जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी सारी तपस्या, सारा तप पूरा हो जाएगा। हाँ, और हमारी आपके लिए चिंता खत्म। अरे कीर्ति संभाल के। अरे कीर्ति दीदू, हमें ना कल बहुत घबराहट हो रही थी जब आप अभय के साथ अकेले जा रही थी। अरे आजकल वो ना दाएं देखता है ना बाएं, जो उसके हाथ में आता है उठा के सामने वाले को मार देता है। पर चलिए, सब ठीक रहा। हाँ, कल ना हमें जरा सी भी परेशानी नहीं हुई। और तुझे पता है, कल तो अभय ने दवाई भी नहीं ली थी, फिर भी कितने शांति से बैठे रहे, कितनी बातचीत हुई है हमारी कल। दवाई नहीं ली। दीदू, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अब आप इस शैतान, हमारा मतलब अब है के साथ दिए लगाइए, हम नीचे जाते हैं माँ की मदद करने। वैसे भी ना कल से माँ हमसे नाराज है। अच्छे से काम करना। कि अफसर भाभी को अभी भी मुझसे दिक्कत है क्या? मेरे आते ही ऐसे पतली गली से निकल गई। उसे ना कुछ काम था, नीचे दिए जलाने हैं, वो दिवाली है ना इसीलिए। लेकिन आपको इन सब से क्या फर्क पड़ता है? आप तो राजा साहब हैं, ये सब घर के छोटे मोटे काम ये सब आप थोड़ी करेंगे, है ना? तुम्हारी लंबी उम्र का नहीं, तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दिवाली का दिया जलाऊंगा। इसी आग में तुम्हारी पहचान जला के राख कर दूंगा मैं। तुम क्या हो, भिड़ना जरूरी है? मैं भिड़ती हूँ आपसे कि आप मुझसे भिड़ते हैं? और वैसे भी आप यहाँ मेरी मदद करने के लिए आए हैं या फिर बेवजह मुझ पर गुस्सा निकालने के लिए आए? अब बस बुआ जी भी अपना काम कर ले, जिस तरह से उन्हें सामान रखने के लिए कहा है
सच में वो वैसे ही रखते हैं। तो हमने यहां रख दी, अब इन्हें नकार के तो दिखाया भाई। हे माता रानी, इन तस्वीरों को देखकर अभय को सब कुछ याद आ जाए और हमारी श्रद्धा के इतने साल का इंतजार खत्म हो। एक बार अच्छे से भिड़ के मेरा खेल ही खत्म कर देना, सुबह से एक एक करके सब टकराए जा रहे मुझसे। सॉरी भैया जी। ए याद कहां गंदे की, खालक कहां से लगी है? भैया वो आंटी जी ने दिवाली का कुछ सामान बोला था स्टोर रूम से निकालने के लिए, तो उसी में लग गया होगा। हाँ हाँ ठीक है, जाके पहले हाथ धो ले वरना घर की सारी दीवारें गंदी कर देगा। कुनाल। अरे यार आरती तुम भी ना, अभी कलेजा मुंह को आ गया। अच्छा सॉरी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम मुझे दिखाई नहीं दिए। कल रात को तुम घर पे नहीं थे ना? तुम्हारे अभय भैया जब रहते हैं ना तो मुझे अपनी बीवी के साथ रहने देते हैं, ना तो मुझे अकेला चैन से सोने देते हैं, इसलिए अपने दोस्त के घर गया था रात को दिमाग ठंडा करने। अपनी तुम ना अपना दिमाग थोड़ा टाइम ठंडा ही रखो, क्योंकि उसके बाद ना फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब मैं समझा नहीं। अरे श्रद्धा भाभी ने ना एक तरीका निकाला है, उन्होंने बुआ जी को कहा है कि श्रद्धा भाभी और अभय भैया की शादी से लेकर 2 साल पहले तक की सारी तस्वीरें उनके कमरे में रख दे, क्या पता उनकी याददाश्त वापस आ जाए। अच्छा है ना? अच्छा मैं भी जाती हूँ। और अभय अपने कमरे की तरफ गया है, उसकी याददाश्त वापस आई तो मुझे दिवाली के पटाखों की तरह फटके मार मार के उड़ा देगा। दिवाला होगा मेरा, दिवाली नहीं। दिवाली पे सबको माता आ जाती है क्या? कुछ भी रख जाते हैं मेरे कमरे में। ये कुछ सफाई में निकला है क्या? तेरी तमीज की ट्रेनिंग नहीं हुई है क्या? बिना खटखटाए अंदर गुस्सा चला रहा है। नहीं भी हमने वो क्या वो इतनी देर में तो मैं लखनऊ पहुंच जाऊं। साफ साफ बोल, बोलना क्या चाहता है? काम चोर तो शक्ल से ही लगता है, जो तेरे माथे पे पसीना आ रहा है ना उससे पता चला तू शातिर भी है। वो क्या चल रहा तेरे दिमाग में? भैया कुछ नहीं, वो आंटी जी ने भेजा था चाय पूछने के लिए सबसे, तो वही पूछने आ। चाय पियो क्या? हाँ ठीक है, अदरक कूट के बनाना, वरना तुझे कूट दूंगा मैं। ये कब हो गया आपका, तो ले जाऊं मैं इसको? हाँ ले जा। आपको बुआ जी, हम दोनों की तस्वीर एक साथ देख के अभय की याददाश्त वापस आ जाएगी? श्रद्धा, जरूरी नहीं कि तुम्हारा प्लान हर बार फेल हो। अपने भरोसे पर भरोसा रख के तुम इतना आगे आई हो, तुम देखना आगे भी सब अच्छा ही होगा। पता नहीं बुआ जी, एक अजीब सी घबराहट सी हो रही है मुझे। श्रद्धा,
अब घबराने के दिन खत्म होने को है। अभय जब इस बार तुम्हारा नाम चिल्लाएगा तो गुस्से से नहीं, प्यार से चिल्लाएगा, तुम देखना। श्रद्धा, 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 श्रद्धा। अबे यार क्या हो गया, क्यों पागलों की तरह दहाड़ रहा है, नीचे तक आवाज आ रही है तेरी। क्या रखा तुमने मेरे कमरे में? आखिर तुमने देख ही लिया ना? सामने दिखेगा तो देखूंगा ना बुआ। बेटा देख के कुछ कुछ याद आया तुम्हें? मम्मी इसमें याद क्या करना है? मतलब आपको वो देखकर कुछ याद नहीं आया? आया ना याद, इसे देख के। ये फिर मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में घुसी। देखो मैं आखिरी बार तुम्हें बोल रहा हूँ, मेरे कमरे में मत आया करो। आपको वहाँ पे कोई पैकेट नहीं दिखा क्या? कौन सा पैकेट? वो पैकेट तो किसी के हाथ आने से रहा, इसीलिए तो इस घर में टिका हुआ हूँ भाभी जी, कि भैया अभय के लिए आपका इंतजार कभी खत्म ना हो। अब तुम अपना सामान भी मेरे कमरे में पटकने लग गई, मैं तुम्हारा सारा सामान उठा के। अब जो हुआ सो हुआ, दिवाली के दिन पर ना लड़ाई मत कीजिए। सब जाके दिवाली की पूजा के लिए तैयार हो जाइए, जाइए जाइए, चलिए आप भी। हैप्पी दिवाली आप सबको। अरे आपको शुभ काम जो तुमने मुझे करने के लिए कहा था समझो कि हो गया। हेलो, असली आतिशबाजी तो अब दिखेगी दिवाली की, जब इन पटाखों के साथ तुम्हें भी जलता हुआ देखूंगा मैं। हेलो, यहाँ से वो कहाँ चले गए? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।